मोबाइल ही एक ऐसा साधन है जो उन्हें बांधे हुए है। वहीं तपती गर्मी ने भी अपना प्रकोप दिखाना अब शुरू कर दिया है। लोग न तो घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही अंदर बैठ पा रहे हैं, क्योंकि उल्लासनगर शहर में बिजली महावितरण विभाग की लापरवाही से उनको बार बार बिजली खंडित का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग काफी परेशान है। वहीं रोज कमाने वाले गरीब कामगार और छोटे व्यापारियों का बिजली बिल माफ करने की मांग ने अब तूल पकड़ लिया है। जी हाँ, लॉकडाउन को करीब 40 दिन पूरे हो रहे हैं। इतने दिनों से कैद शहरवासियों को घरों में टीवी और मोबाइल का ही एक सहारा है, जो बिजली के उपकरण से ही चलते हैं। वहीं इस तपती गर्मी में अगर फैन भी ना चले तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। शहर में आए दिन रोजाना बिल कारण के कारण बिजली को खंडित किया जा रहा है। कई घरों के फैन खराब हो चुके हैं, कई अन्य बिजली के उपकरण भी खराब हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो उनकी मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। ऊपर से बिजली विभाग बिना किसी सूचना दिए बार बार असमय बिजली बंद कर रहा है। कई क्षेत्रों में लोड कम ज्यादा की समस्या के चलते बिजली उपकरण खराब भी हो रहे हैं। एक परिवार के सारे ट्यूबलाइट खराब हो चुके हैं, वो रात को अंधेरे में बैठने को मजबूर हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार बिजली विभाग ही है, क्योंकि बिजली के बिल तो कम नहीं होते, उल्टा ज्यादा ही आते हैं। इसीलिए बिजली बिल माफ करने की मांग ने अब फिर एक बार जोर पकड़ लिया है। ज्ञात हो कि उल्लासनगर मनपा आयुक्त को इस गर्मी के दौरान फैन के व्यापारियों ने दुकान खुलवाने की अनुमति मांगी थी, जिसे आयुक्त ने सुरक्षा के लिहाजा से इनकार कर दिया था। घरों में कैद लोगों को पानी की तो जरा भी परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन बिजली की आंख मिचौली से लोग काफी परेशान है, क्योंकि अप्रैल मई महीने में सबसे अधिक गर्मी होती है। यह तापमान 35 से 40 तक पहुंच रहा है। इस गर्मी में लोगों को फैन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और बार बार बिजली खंडित होने से उनका कहना है कि अब यह गर्मी ही हमें मार देगी। इस तापमान गर्मी में सबसे ज्यादा भयंकर हालत छोटे घरों में रहने वाले लोगों की होती है, जहां अगर फैन भी नहीं चलेगा तो वो सांस कैसे लेंगे। कई समाज सेवियों ने बिजली बिल माफ करने की मांग को भी सरकार के सामने रखा है, क्योंकि गरीब और छोटे व्यापारी जो रोज कमा कर खाते हैं वो पूरी तरह अब लाचार हो चुके हैं। उनके पास कोई दूसरा विकल्प अब नहीं बचा है, उनकी दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है। ऐसे में बिजली बिल दोहरी मारी होगी उन लोगों के लिए।